हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रांडिंग। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोरेल कल्टीवेशन। सोरेल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल्स है एंड इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, टैक्सोनॉमी एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इक्वली इंपॉर्टेंट है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए इन हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस। साथ में ICAR के JRF, SRF, नेट एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सोरेल की जब हम बात करते हैं तो बोटेनिकली दिस इज रूमेक्स एसिटोसा। तो रूमेक्स एसिटोसा जो है उसको हम गार्डन सोरेल भी कहते हैं और कॉमन सोरेल भी कहते हैं। फिर एक होता है रूमेक्स स्क्यूटेटस जिसको हम फ्रेंच सोरेल कहते हैं। सोरेल की फैमिली की बात करें तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली पॉलीगोनेसी जो कि आपका बकव्हीट फैमिली को बिलोंग करता है। डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो सोरेल जो होता है एक्चुअली दैट इज डायोशियस वेजिटेबल है, राइट। तो सोरेल जो होता है डायोशियस होता है और साथ में दिस इज आल्सो बिंड पॉलिनेटेड भी होता है और डायोशियस वेजिटेबल है। तो आप देखेंगे फीमेल में 2 = 14 एंड मेल में 15 रिपोर्ट किए गए हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी की बात करें तो सोरेल बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटेई को बिलोंग करता है। क्लेड ट्रैक्यूफाइट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करता है। क्लेड यूडाइकोट है और फाइलम की बात करें तो मैग्नोलियोफाइटा एंड क्लास की बात करें तो मैग्नोलियोसीडा एंड कैरियोफाइलिडेस दैट इज योर सब क्लास। ऑर्डर की बात करें तो पॉलीगोनेल्स एंड फैमिलीज पॉलीगोनेसी, जीनस इज रूमेक्स एंड स्पीसीज रूमेक्स एसिटोसा को बिलोंग करता है। रूमेक्स जीनस की अगर हम बात करें तो पॉलीगोनेसी फैमिली में दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट जीनस है जिसमें कि लगभग मोर देन 200 स्पीसीज पाई जाती हैं एंड जो कि मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द नदरन टेम्परेट जोन में। अगर हम रूमेक्स नेम की बात करें तो रूमेक्स नेम जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड? डार्ट और स्पीयर, बिच का जो कि मेनली हम कह सकते हैं कि दैट इज हम कह सकते हैं मेंशन करता है द शेप ऑफ लीव्स को। रूमेक्स एसिटोसा यानी कि सोरेल जो है जो कि टिपिकल वेजिटेबल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है और ये जो एसिटोसा स्पीसीज नेम है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिटम से जो कि इसके टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। टेस्ट जो होता है प्लांट का एस विनेगर की तरह होता है, उस चीज को डिस्क्राइब करता है एसिटोसा जो स्पीसीज नेम है। तो जीनस नेम वो डिराइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड से और स्पीसीज नेम ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से। देन करंटली अगर हम बात करें तो रूमेक्स में जो मेन कंपाउंड है रूमेक्स स्पीसीज में तो दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सैलिक एसिड कंपाउंड जो होते पाए जाते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोरेल में सोर टेस्ट के लिए। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 9 स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई है, जैसे कि रूमेक्स एसिटोसा है, एसिटोसेला है, क्रिस्पस, डेंटेटस, हेस्टेटस, मेरिटिमस, राइट, नेपालेंसिस, स्क्यूटेटस एंड वेसिकेरियस। तो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई है सोरेल की इंडिया में भी। एंड ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो गार्डन सोरेल है हमारा दैट इज योर रूमेक्स एसिटोसा, तो दैट इज नेटिव ऑफ यूरोप एंड साउथ वेस्टर्न एशिया का। अगर हम फ्रेंच सोरेल की बात करें दैट इज योर रूमेक्स स्क्यूटेटस, इसका रीजन क्या है? इन द माउंटेन्स ऑफ सदर्न फ्रांस एंड द सदर्न सेंट्रल रीजन ऑफ यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया, राइट। सोरेल जो एक पेरिनियल हर्ब है, राइट, जो कि मेनली आपको मिलेगा ग्रासलैंड हैबिटेट्स में थ्रू आउट द यूरोप फ्रॉम नदरन मेडिटेरेनियन कोस्ट टू नदरन स्कैंडिनेविया एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कह सकते हैं यूरोपियन टू सेंट्रल एशियन रीजन में। एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली ये एक इंट्रोड्यूस स्पीसीज है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो सोरेल जो है गुड सोर्स है पोटेशियम का, आयरन का, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी का। और जो फ्लेवर होता है सोरेल लीव्स का, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज मेनली ड्यू टू ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है, राइट, क्योंकि हार्मलेस होता है अगर हम इसको कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें। बट अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए दिस इज डेंजरस। फ्लेविनोइड्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेविनोइड्स पाए जाते हैं जैसे कि विटैक्सिन,
रूटीन, कैम्फरोल, तो जो कि मेनली इसमें पाए जाते हैं, दे हैव द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके जो लीव्स होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं एज रॉ, एज सैलड की तरह, या इन सैंडविचेस में कुक्ड भी किया जाता है इनको, सूप सॉसेस में यूज किया जाता है, एंड दे हैव ए टेंजी एसिडिक सॉर लेमनी फ्लेवर होता है, लेमनी फ्लेवर होता है, राइट, जो कि मेनली आपका ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो सोरेल में हमने कहा विटामिन सी काफी हाई मात्रा में होता है, तो इसलिए दिस इज गुड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कर्वी डिजीज से। इसको हम एन हर्बल मेडिसिन में भी यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायोटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्यूनेंस भी पाए जाते हैं जो एक्सट्रैक्ट होता है सोरेल का, उसमें हीट क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, डायूरेटिक, इंसेक्टिसाइडल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। क्लाइमेट की बात करें तो सोरेल जो होता है डेट इज ए कोल्ड हार्डी प्लांट है, जो कि प्रेफर करता है सनी और पार्शली शेडेड कंडीशंस को ग्रोथ के लिए, बट हाउ एवर इट ग्रोज लग्जूरियसली इन अवंडेंट सनशाइन में। बट गुड सीड जर्मिनेशन के लिए सोरेल को सोइल टेम्परेचर कितना चाहिए? 18 to 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना है? 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि सोरेल जो होता है काफी सेंसिटिव होता है वार्म टेम्परेचर कंडीशंस के लिए, और लॉन्ग डेज हो अकम्पनीड विद हाई टेम्परेचर तो वो क्या होता है, इट कॉज बोल्टिंग, तो प्री बोल्टिंग हो जाता है सोरेल में लॉन्ग डेज एंड हाई टेम्परेचर। सोइल की बात करें तो सोरेल को हम वाइड रेंज ऑफ सोइल्स में ग्रो कर सकते हैं, बट फिर भी गुड फर्टिलिटी स्टेटस होना चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, एंड जनरली हम जो सैंडी लॉम सोइल्स होती हैं दे आर प्रेफर्ड पर्टिकुलरली सोरेल कल्टिवेशन के लिए, एंड दे शुड बी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। हाई लीव यील्ड चाहिए अगर हमें तो सोरेल शुड बी ग्रोन इन फ्राइबल लॉम सोइल्स में विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर में। दो क्रॉप जो होती है थोड़ा स्लाइटली एसिडिक सोइल्स भी इसको चाहिए होती है, इसलिए इसमें वाइड रेंज ऑफ पीएच है, अगर हम बात करें तो 5.5 to 6.8 जो है सोइल पीएच इसके लिए चाहिए होती है, राइट। एंड इस सोरेल के लिए जो सोइल्स जो होती है विच आर रिच इन आयरन दे आर ऑल्सो गुड फॉर सोरेल कल्टिवेशन। ब्राइटिस की बात करें तो सोरेल जैसे कि मैंने कहा कि एक विंड पोलिनेटेड क्रॉप है जो कि पेरिनियल है, डायोशिस इन नेचर है, राइट, एंड इसमें डिफरेंट टाइप्स की ज़्यादा ब्राइटिस काम नहीं हुआ, इंडिया में तो वेरी माइनर क्रॉप है ये। इसकी एक वराइटी है प्रोफ्यूजन जो कि एक म्यूटेटेड वराइटी है एंड फ्रांस में डेवलप हुई थी, एंड इट ओनली प्रोड्यूसेस सीड्स, इट प्रोड्यूसेस ओनली लीव्स विदाउट फॉर्मिंग सीड, इसमें सिर्फ लीव ही प्रोड्यूस होते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। फिर एक और वराइटी है वेलविले जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वराइटी है सोरेल की, एंड इसका आप देख सकते हैं ओरिजिन लगभग इन 1600 में है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड वराइटी ऑफ सोरेल बेलविले। तो एक हो गई प्रोफ्यूजन, एक हो गई बेलविले। प्लांटिंग की बात करें तो सोरेल को अगर हम बात करें तो सीड रेट की तो 20 to 25 kg ऑफ सीड रेट चाहिए पर हेक्टर, एंड प्लांटिंग टाइम की बात करें तो अगर आपको गुड लीफ ग्रोथ चाहिए तो सीड्स की सोइंग करते हैं हम इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर में इन नॉर्दर्न प्लेन्स में, और अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, टेम्परेट जोन्स एट हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे इसका प्लांटिंग किया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू मई। सोइंग डेप्थ की बात करें तो सीड सोइंग करते हैं 1 to 1.5 cm डेप्थ पे, और स्पेसिंग रखते हैं हम 15 cm की, और जब हम कह सकते हैं कि सीड्स जो होते हैं सोरेल के बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो सीड्स को हम मिक्स भी कर सकते हैं फाइन सैंड के साथ, तो कि ताकि हम उनको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। जब प्लांट्स एक गुड ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की तो हम थिनिंग कर देते हैं बाय मेंटेनिंग ए स्पेसिंग ऑफ 30 cm बिटवीन रोज एंड प्लांट्स। इनिशियली तो हमने 15 cm में सोइंग किया सीड का, बट जब प्लांट एक अच्छी ग्रोथ अटेन कर लेते हैं तो हम प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग रखते हैं 30 cm, तो हम क्या करते हैं इसलिए हमें थिनिंग करना पड़ता है। मैन्योरिंग की बात करें तो 20 to 25 टन पर हेक्टेयर ऑफ एफबायम चाहिए इसके लिए गुड ग्रोथ के लिए, एंड एनपीके की बात करें तो लगभग 20 to 25 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 to 50 kg ऑफ फॉस्फोरस एंड 30 to 50 kg ऑफ पोटाशियम चाहिए पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन हमें पता है कि हम स्प्लिट डोजेज में देते हैं, तो हर कटिंग के बाद 20 to 25 kg ऑफ नाइट्रोजन हम अप्लाई करते हैं पर हेक्टेयर, उसको हम टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं लगभग एटलीस्ट 2 times, तो हमें ऐसा करना है ट्वाइस ड्यूरिंग द होल ग्रोथ पीरियड।
इरिगेशन की बात करें तो नेचुरली बताए, जब हम सीड सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग करने से पहले एक प्रियर इरिगेशन जो होती है वो चाहिए, ताकि आपका एम्पल मॉइस्चर हो, सोइल मॉइस्चर हो, टू गेट द बेटर सीड जर्मिनेशन के लिए, राइट। अगर मॉइस्चर डेफिशिएंट है फील्ड में तो एक लाइट इरिगेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हाउ एवर देर मे बी क्रस्ट फॉर्मेशन, अगर आप हैवी सॉइल्स में ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि आपका सीड जर्मिनेशन को हिंडर करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीड शुड बी सोन अंडर सफिशियंट मॉइस्चर कंडीशंस में। अगर हम बीट की बात करें तो सोरेल जो होता है ना, दैट इज क्लोजली रिलेटेड होता है येलो डॉग बीट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि येलो डॉग बीट इसमें है, दैट इज रूमेक्स क्रिस्पस, इसके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करें तो ये क्या करता है कि इट मे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ सोरेल। इसलिए फ्रीक्वेंट शेलो कल्टीवेशन करनी चाहिए, हैंड होइंग एंड बीडिंग हम कर सकते हैं टू रिमूव दिस येलो डॉग बीट। हार्वेस्टिंग की बात करें तो सोरेल के लीव्स जो होते हैं उनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम में, जब वो अच्छी ग्रोथ अटेन कर लेते हैं कुछ मंथ्स में। बट जो बिल्कुल यंगर लीव्स होते हैं वो थोड़ा टेस्टलेस होते हैं, एंड ग्रेजुअली उनमें वो करेक्टरिस्टिक फ्लेवर आ जाता है, राइट। ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑक्जैलिक एसिड उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर टेंडर यंग बेसल लीव्स होते हैं, दे आर बेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग क्यूलिनरी पर्पज के लिए, राइट। एंड जो न्यूली सीडेड क्रॉप्स होती है वो रेडी हो जाती है लगभग 35 to 40 days में, तो अगर आपको छोटे स्मॉल साइज के लीव्स चाहिए, एंड 2 months में लगभग गुड साइज ऑफ लीव्स जो होते हैं दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। तो सोरेल अगर हम बात करते हैं तो इट जनरली बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग व्हेन लीव्स अटेन ए लेंथ ऑफ अबाउट 10 cm हो जाते हैं। एवरेज यील्ड की बात करें तो 150 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर इसमें एवरेज यील्ड मिल जाता है हमें सोरेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिंशा ब्रेनरी। जय हिंद।